नमस्कार, गुड इवनिंग एंड जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी सीक्वेंस के हिसाब से, बीच में एक एक दिन के गैप के हिसाब से। उस दिन मैं इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस लेके आ रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी का हमने स्टार्ट किया था 1773 के अंदर, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे हमने इंडियन पॉलिटी शुरू की है। उसको हमने क्रमवाइज बढ़ाते हुए अभी तक 5 क्लासेज में ले चुका हूँ। यह आपकी 6th क्लास है इस कड़ी में, और इसमें हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 वाला अधिनियम, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में उसमें कुछ कमियां रही थी, तो भारतीयों को उम्मीद थी कि सुधार होगा, तो इसी बेस पे 1919 के अंदर जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो पर पहली बार आ रहे हो क्लास पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, डेली क्लासेज आपको अपडेट यहाँ पर मिलेगी। और जो छात्र ये सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तो मेरे साथियों ऐसी सोच जो है वो गलत है, क्योंकि जो छात्र अभी तैयारी में लगे हुए हैं वो आपसे तब तक आगे निकल जाएंगे, ठीक है। हालांकि मेरी क्लासेज जो है वो आप लोगों को, अगर कुछ भी कंटेंट है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अभी चलते हैं क्लास पर, ज़्यादा हम चर्चा आगे करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो पूरा क्लास से जुड़े रहिए, तभी आपको एक टॉपिक समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। दोस्तों, इसकी हम पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या सुधार, क्या क्या वो प्रोविजन थे वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी आलोचना क्या की गई और इसके भारत पर क्या परिणाम पड़े, इनको हम एक बार आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस बेस पे ये आया था। आपको पता होगा, आपको हम मतलब शायद जानकारी होगी थोड़ी सी, कि 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग के कहने पर ही शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौते में दोस्तों क्या हुआ था कि आपके यहाँ पे मार्ले मिंटो जो अधिनियम आया था वो आया था, मार्ले मिंटो, ठीक है। और उसी के अंदर जो क्या किया गया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का जो है वो प्रावधान उसमें किया गया, या एक तरह से कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता के जनक भी मार्ले मिंटो को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी के दौरान क्या हुआ, 1909 में मार्ले मिंटो आया, और उसके बाद में आपका वर्ल्ड वॉर वन जो है, विश्व युद्ध प्रथम जो है वो 1914 के अंदर स्टार्ट हो गया। विश्व युद्ध प्रथम में आपका जो जिस मतलब जो कंट्री आप पे रूल कर रहा था इंडिया पे, इंग्लैंड, वो है मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में हिस्सा ले रहा था। और मित्र राष्ट्रों ने अपना मोटो क्या दिया था कि हम पूरे संसार के अंदर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये लगा कि ये ऐसी बात कर रहे हैं, तो जब अगर युद्ध में विजेता होते हैं तो हमें जो है ये एक तरह से स्वतंत्र कर सकते हैं, स्वतंत्रता हमें दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हमारी मिलिट्री भी मित्र देशों की तरफ से या इंग्लैंड की तरफ से युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करेगी दोस्तों। ये इसकी पृष्ठभूमि यहाँ से बननी शुरू हुई। और इसी दौरान जब युद्ध शुरू हुआ धीरे 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 धीरे, तो उसी दौरान भारत को लगने लग गया, कांग्रेस को भी लगने लग गया कि इंग्लैंड ने जो बोला है वो नहीं करने वाले हैं, ये लोग अपने उससे मुकर जाएंगे। और यहाँ पे आपके यहाँ पे 1916 के अंदर क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, और पुणे के अंदर की थी बाल गंगाधर तिलक ने, और एनी बेसेंट जो थी उन्होंने मद्रास के अंदर इसकी स्थापना की। और इस तरह से धीरे धीरे पृष्ठभूमि स्टार्ट हुई। 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए अपना आंदोलन करने शुरू कर दिए थे, और होम रूल लीग से अंग्रेज पहले से ही परेशान थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मॉन्टेग्यू जो आपके उस टाइम सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो उस टाइम वाइसराय थे, इन दोनों ने एक खाका तैयार किया, और उस खाके के बेस पे ही आपका 1919 के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है वो आपके सामने निकल कर आया। अब इसके अंदर क्या क्या सुधार रखे गए, प्रावधान क्या क्या रखे गए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रखेगी, इसके अंदर केंद्र एवं प्रांतों के, केंद्र एवं जो प्रांत थे आपके उनके जो सब्जेक्ट थे उनको अलग अलग बांट दिया। एक तरह से विषयों का जो वितरण है आज की डेट के अंदर अगर हम देखते हैं, तो आज की डेट में आपके संविधान के अंदर जो विषय है केंद्र, ठीक है, राज्य और समवर्ती सूची है, उसी तरह जो है उस टाइम केंद्र और राज्यों को अलग अलग विषय हैं उन पे कानून बनाने के लिए दे दिया गया। केंद्र पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, आपका रक्षा का विषय हो गया, आपका रेलवे मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, फाइनेंस वाले विषय हो गए, वो सारे केंद्र के पास रखे। प्रांतों के जो विषय थे उनको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया। एक हस्तांतरित विषय रखेंगे, और दूसरे दोस्तों क्या रखेंगे, आरक्षित विषय भी कहीं आपको लिखने को मिलता है। तो बेसिकली आरक्षित रिजर्व जो थे सब्जेक्ट वो रखे गए। तो यहां से क्या निकल कर आता है, यहां से निकल कर आता है कि भारत के अंदर प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी,
प्रांतों के अंदर जो द्वैत शासन की व्यवस्था थी वो कब से स्टार्ट मानी जाती है, तो वो आपके मॉन्टेग्यू चेप्सफोर्ड अधिनियम जो है 1919 वाला, उसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत मानी जाती है, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए इसको मैं आगे एकदम डिटेल में समझा देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया है कि इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। और मार्ले मिंटो के तहत क्या होता है, मार्ले मिंटो के तहत जो वर्ड सबसे मेन माना जाता है, तो मार्लो मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है, और प्रांतों में द्वैत शासन का माना जाता है तो इसके तहत माना जाता है। आगे चल के 1935 के अंदर जो अधिनियम आएगा उसमें इसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। चलिए केंद्र वाले आप भी अपनी जो नोटबुक है उसमें अगर नोट्स बना रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह से नोट्स बनाइए, ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग जब आप पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। केंद्र और प्रांतों के विषय केंद्र के पास जो रखे गए, उसके बाद प्रांत वाले को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय रखे गए, ठीक है। हस्तांतरित विषय पे कौन कानून बना सकता था, हस्तांतरित विषय पर जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते थे वो दोस्तों कानून बना सकते थे। परंतु जैसे बेसिकली एक सिंपल तरह से समझा जाए तो बहुत ही जो एकदम साधारण विषय थे, जैसे कृषि का विषय हो गया, एजुकेशन का विषय हो गया, आपका उद्योग का सब्जेक्ट हो गया, इन पे कानून कौन बना सकते थे, विधान परिषद या हस्तांतरित विषय इनको बोला गया। और जो आरक्षित जो रिजर्व थे, जैसे फाइनेंशियल हो गया, भूमि हो गया, राजस्व हो गया, ये जो विषय थे ये किसको दिए गए, गवर्नर को दे दिए गए। आपके जो गवर्नर हैं वो इस पे कानून बना सकते थे, इनको आरक्षित विषय की सूची में रखा गया दोस्तों। तो ये आपको लिख लेना है अपने नोट्स में, ठीक है, कि आपके पूछा जा सकता है कि हस्तांतरित विषय पर कौन कानून बना सकता था चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों इसमें एक और चीज़ आती है कि जो आपकी केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद थी उसको दो भागों में बांट रखा था, उसको क्या किया गया था, इन्होंने दो भागों में बांट दिया था। कितने भागों में, दो भागों में दोस्तों, ठीक है। एक थी आपकी विधानसभा, क्या थी, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, या इसको क्या बोला जा सकता है, इसको आप बोल सकते हो निम्न सदन, ठीक है, क्या बोल सकते हो आप, निम्न सदन। और इस वाले को क्या बोल सकते हो आप, उच्च सदन इसको बोला जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके अंदर विधानसभा के अंदर या निम्न सदन के अंदर कितने सदस्य रखे गए, 145, कितने 145 सदस्य जो थे वो रखे गए। उसके अंदर 104 तो थे निर्वाचित और 41 सदस्य जो थे वो मनोनीत थे, कितने 41 सदस्य मनोनीत थे और 104 निर्वाचित थे। आप ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, आपको याद बस इतना रखना है कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 थे और राज्य परिषद के अंदर कितने थे, 60 सदस्य थे, कितने थे, 60 सदस्य थे, ठीक है। 27 सदस्य इसके मनोनीत थे और 33 इसके निर्वाचित थे। निर्वाचित का क्रम यहाँ पे देखो लिख दिया है, जो आपके मार्ले मिंटो ने प्रथम निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट की थी सिर्फ मुस्लिमों के लिए, उसको यहाँ पे और बढ़ाया गया, ठीक है, यहाँ पे और बढ़ाया गया, देखो सिखों के लिए भी कर दिया, ठीक है, और यूरोपियन जो थे, एंग्लो इंडियन जो थे, उनके लिए भी अलग से वो कर दिया। तो इसको और ज़्यादा बड़े तौर पर इसको बढ़ाया गया, मतलब ख़त्म नहीं किया गया, जो चीज़ें शुरू होगी उनको खत्म नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह इसको आप डायग्राम को अगर बनाना चाहे या स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए लेके आया हूँ, कल आप भी बोलोगे कुछ आता नहीं इसको, ठीक है, इसलिए मैं पूरा अलग से बना के लेके आया हूँ इसको, ठीक है ना। और क्या है, और अगर बात कर लें और डीप में जाके, तो और डीप में ये है कि जो आपके विधानसभा के सदस्य या आपके निम्न सदन के सदस्य थे उनका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष था, और उच्च सदन वालों का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष था, कितना था, 5 वर्ष था। तो ये तो दोस्तों क्या थी, आपकी केंद्रीय विधायिका थी। अब आप मुझसे ये भी पूछोगे, बोलेगे फिर प्रांतों में क्या किया गया, ठीक है ना, प्रांतों में भी क्या थे, निर्वाचित सदस्य थे कुछ, प्रांतों के अंदर क्या किया गया, उसके लिए भी यहाँ पे क्या है, प्रांतों के अंदर दोस्तों मेंबर, यहाँ तो केंद्रीय विधान परिषद में मेंबर जो थे वो फिक्स थे, उच्च में कितने थे, 60, और लोअर या निम्न में कितने थे आपके, 145 थे। प्रांतों के अंदर नंबर ऑफ मेंबर की जब वो थी संख्या, वो एकदम फिक्स नहीं थी, अलग अलग प्रांत के हिसाब से। जैसे आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं तो राजस्थान के विधानसभा सदस्य कितने हैं, 200 है, यूपी के कितने हैं, 400 समथिंग है, ठीक है। तो डिपेंड करता है एरिया कितना था, उस एरिया के हिसाब से दोस्तों उनके सदस्यों की संख्या रखी गई। उसके अंदर क्या थे, 70% जो थे निर्वाचित होते थे, अगर 200 है तो 140 निर्वाचित होंगे, और 30% जो रखे गए वो क्या थे, 30% दोस्तों मनोनीत थे, जिनको गवर्नर वो है नॉमिनेट करता था, ठीक है। उन 30% का भी अगर देखते हैं तो 20% सरकारी थे और 10% गैर सरकारी थे, और उनका सबका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष का कार्यकाल था, उनका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष का। तो आप ये भी याद रखिए।
केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया गया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 145 और 60 मेंबर, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। हालांकि ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन पर अगर मैं बात करूँ कि 1920 के अंदर अगर भारत की जनसंख्या ऑलमोस्ट 14 करोड़ जनसंख्या थी, तो उसमें से सिर्फ 5% को लिमिटेड प्रत्यक्ष मतदान कह सकते हैं हम, 5% को प्रत्यक्ष मतदान दिया गया। और ये 5% कौन थे? ऐसा तो था नहीं कि मन किया मेरे को दे दिया, आपको नहीं दिया, आपको दे दिया मेरे को नहीं दिया, नहीं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो टैक्स पे कर रहा है उस टाइम, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा था उसी को प्रत्यक्ष मत, उसको मतदान का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो अगर कोई डिटेल के अंदर यूपीएससी के कोई पूछता है कंसेप्ट कि किन को मतदान दिया गया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो घूमे घूमे जो पसंद आया उसको मतदान दे दिया, नहीं, जो टैक्स पे कर रहा था गवर्नमेंट को उनको मतदान दिया गया। और पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ सीमित मात्रा के अंदर, लिमिटेड मात्रा के अंदर, हालांकि पुरुषों को भी लिमिटेड ही हुआ था भाई, 5% लोगों को मतदान मिला था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये इसके बिंदु थे। इसके बाद अलग अलग बजट पारित करने का अधिकार दिया गया केंद्र और बजट, केंद्र और प्रांतों को अलग अलग बजट जो है वो पारित करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर की कार्यकारी परिषद के अंदर 3 सदस्य भारतीय होंगे, 8 में से 3 सदस्य जो थे भारतीय थे। मार्लिमेंटो के अंदर पहले भारतीय विधि सदस्य जो बने थे वो बने थे, और इसके अंदर 3 सदस्य जो हैं भारतीय रखे गए। और इसके द्वारा सिख, ईसाई, आंग्लो इंडियन को मैं पहले बता चुका हूँ अलग से मतदान का प्रदान किया गया। ठीक है, भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और इनकी पेमेंट जो है भारतीय राजकोष से दी गई। और इससे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया दोस्तों, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी इसके तहत किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये तो दोस्तों इसके सुधार थे। अब इसकी कुछ आलोचना भी हुई। आलोचना क्या थी कि एक तो इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इससे संतुष्ट नहीं थे, इन दोनों ने ही इसका विरोध किया। ठीक है, विरोध इसका दोनों ने ही किया। और मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने ये कहा था कि एक हाथ से कुछ दिया तो एक हाथ से इन्होंने कुछ ले लिया। तो इसके बारे में अगर पूछता है, किसी का स्टेटमेंट आता है तो ये किसने कहा था, तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो आपका मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम है उसके बारे में मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि एक हाथ से कुछ दिया और दूसरे हाथ से ले लिया, ये उनका स्टेटमेंट था दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके परिणाम या एक तरह से इसका क्या परिणाम पड़ा। तो इससे क्या हुआ, इससे जो कांग्रेस थी या भारतीय जो तिलक जिन्होंने होम रूल बना रखा था, जो लोग थे वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। तो इस तरह से भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो गए। और इसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कि आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहाँ पे एक सिडनी रोलेट बैठते हैं, सिडनी रोलेट नाम के व्यक्ति बैठते हैं, और वो क्या है, उनके कहने पर एक रोलेट एक्ट जो है वो पास होता है। और रोलेट एक्ट जो है वो पास होता है मार्च 1919 के अंदर, रोलेट एक्ट, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे 1919 के अंदर। और अगर आप चाहते हैं इस पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताइए, सो दैट मैं इस पर भी एक अच्छा वीडियो जो है आपके लिए लेके आऊँगा। बाय बाय, टेक केयर।